हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? तो मैं हूँ कोमल कटारिया और आज कोई हमें स्पेशल गेस्ट आने वाली है। सो अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं, नहा लिए धो लिए, रेडी हो गए, ठीक है। और ये विराज भी एकदम रेडी है, ये अभी सो रहा है क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो इस वजह से यहाँ पर आपने रेडी बैठी एकदम बढ़िया वाली। लवकेश अपने रूम में रेस्ट कर रहा है, सो रहा है वो। और जो गेस्ट हैं हमारे वो आने वाले हैं, कौन आएगा लेट्स सी। और मम्मी अभी आएंगी थोड़ी देर में, रेडी हो रही हैं वो भी, ठीक है। सो जब वो लोग आ जाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, हमारे जो स्पेशल गेस्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी वो आ गए हैं और मम्मी मंगाए हैं अभी समोसे, शाम को बनाएंगे हम खाना। तो चलो दिखाते हैं आपको कौन आया है। मम्मी ये लो, ये लो और एक्स्ट्रा, यही थे वो। क्या हुआ? विराज सो रहा है। कियान ऐसे बोलो मैरी गोल्ड। मैं ही हो रही हूँ शोर मचाने वाली। तीनों शांत बैठे हैं। अबे बच्चे यहाँ बस्ती में फुल खेल। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या काम कर रहे हो आप? अच्छा बेबी बना लिया भाई, ये तेरा ये भाई तो आप खेल खेल रहे हैं ना ना। और इसको देख लो, अरे एक ये लाला राम भाई। मैं ये बच्चों के लिए प्यारे प्यारे चश्मे लेकर आई थी, सन ग्लासेस, जिनको बढ़िया पसंद आ रहे। पावी दिखाओ, मैं भी कियान 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 ओए कैसे लग रही हो? मैं भी दिखाओ डाली, कैसे लग रही हो? आपको पसंद आए? नेविक थैंक यू बोला बुआ को, थैंक यू। पावी क्या है? मैं लेकर आई बेटा, बुआ लेकर आई। बुआ को थैंक यू, थैंक यू। आयो वेलकम। ऐसे भी थे वहाँ पे, पर मैं ऐसे से ना, मेरे को इनको गुड्डे गाड्डे पसंद नहीं आते, मेरे को स्पाइडर मैन अच्छे लगते हैं। मेरे को स्पाइडर मैन लेके जाओ इनके लिए, पावनी कितनी क्यूट लगती है ना, मेरा भी जी करेगा बेटा। नहीं ऐसे नहीं करो, सुबह हमारी लड़िया लग चुकी है, आपको दिखाऊंगी हमारा घर कैसा लग रहा है बाहर से। अभी पावनी नो, पापा आगे तेरे चप्पल डाल पैर में। आंटी क्या तो रही थी अंदर गए लजे तो लम्बी थे बेचारे, आधी एक दिन लगाओगे आधी अगले दिन लगाओगे। इनने भी आधी अब लगा दी, ये बात आज लगाओगे। क्या कह रहे हो पावनी? नानी से रिक्वेस्ट कर बेटा, ये बैठी थी नानी ये देखी। तो भी दादी पोता को देख रहे जरा, कौन है? हाँ आज कौन आया था? नानी भी ले आई थी। हाँ जी सुबह पावनी बुला रही है, एक बार जाऊं उसके पास, क्या कह रही है मुझे। आईली मिले जीना, आईली मिली जी निवेती। लवकेश भी आ गया, नहीं तो बाइक लेके गया था, बाइक है। लवकेश आ गया गाइस। सो गाइस करप्ट यूबर आ गई हैं आपके। हाँ बेटू, यस बेटा, वो चाचू ने ऑर्डर करे है ना, ऑर्डर वाला आएगा जब आएगा। दिवाली टाइम है ना, तो पता है ऑर्डर उसमें कितना टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। मैं कह रही हूँ दिवाली चल रही है ना, आने वाली है दिवाली, तो बेटा बहुत टाइम लगता है ऑर्डर्स आने में। आई नहीं, मेरा रोया ओले। मैं तो पैर गारा ना पड़ेगा। हैं? क्यों? अरे बाइक पे था ना। मम्मा ले लो। पैर गारा में पड़ गए।
सो गाइज मम्मी और फिर चले गए, उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी करी मस्ती मम्मी और हम लोग अलग बातें बातें करते रहे ऐसे ही। और सुनीता मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, ये मैंने बैंगल्स उल्टी पहन ली। हमसे बात करते करते मैं नीचे देख रही थी तो देखा तो मतलब उल्टे नहीं है, जो मेरा आगे खड़ा होना चाहिए वो मैंने सेकंड नंबर पे डाल दिया और जो सेकंड वाला है वो मेरा फर्स्ट पे होना चाहिए, सो मैंने वो थोड़ा उल्टा पुल्टा पहन लिया। सो आई फिक्स दैट, तो ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं। सो हैप्पी धनतेरस सभी को, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। दिवाली अच्छे से बनाना, धनतेरस अच्छे से बनाना, संभाल के बनाना, दिए लगाना जितने हो सके और अपने कुम्हारों को लाइक उनकी मदद करो, उनसे दिए खरीदो, मटकियाँ खरीदो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सब खरीदो। सो और अभी के लिए फ़िलहाल जो है लवकेश अपना आ गया सो रहा है वो, और दिवाली गेस्ट आ रहे हैं मिठाइयाँ लेके, मम्मी पापा भी जाएंगे सबको दिवाली विश करने के लिए। पावनी और विराज दोनों जो है हमारे सो रहे हैं और अभी भी एक भैया आए थे हमारे पास बहुत बड़ा बुक के लेकर के दिवाली विश करने के लिए, और काफ़ी सारे हैं पापा जी के फ्रेंड्स हैं वो सब आते हैं, टीचर्स हैं काफ़ी, तो सभी जो है दिवाली विश करने आते हैं। और अभी जो है सब मम्मी पापा जाएंगे अब सबके घर पे, और अभी आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस दोबारा सभी को, ठीक है। और मैंने मेरा पहले वाला सूट पहना जो कि मेरे आगे, आई एम वेरी हैप्पी। जब मैंने ना पिछले से शायद पिछले दिवाली पहना था, और गाइस स्टिल ही आज भी ऐसा ही जैसे अभी खरीद के लाई हूँ मैं, मतलब इतना अच्छा इसका कपड़ा है, बहुत प्यारा है। और मैंने पैरों में पायल पहनी, नहीं नहीं चुटकी चेंज करी अपनी, मेरी पायल बहुत सुंदर है गाइस, दिखाऊँ आपको, हट चुकी है गाइस। तो ये वाली पायल पहनी मेरी बहुत सुंदर, चुटकियाँ मैंने इस बार सेम पहनी, अलग अलग नहीं पहनी, वरना हर बार मैं अलग पहनती हूँ। मेरा चुन्ना उठा, और ये हमारी माला अहोई माता की जो दिवाली तक हम पहनते हैं, ठीक है। ये वाला सूट मैंने पहना है, बहुत प्यारा सूट है, इसका कलर बहुत सुंदर है, इसके साथ जब हम लाइक कोई डार्क कलर का रेडी वेडी होते हैं, मेकअप करते हैं और लिपस्टिक बिंदी और बैंगल्स रेड, तो बहुत सुंदर अच्छा आता है, बहुत अच्छा गेटअप आता है इस सूट का। जेन्युइनली मुझे ये वाला सूट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको पहन लेती हूँ, जब नहीं आता था तो नहीं पहनती थी, अब आ गया तो मैं फिर पहनने लगी, ठीक है। और मैंने नेल पेंट्स लगाई थी अभी, मतलब मैंने नेल पेंट लगाई थी, बहुत सारी लेकर आई थी, उसमें से एक डिसाइड करके लगाई है। पावनी सो गई है, नहीं तो वो भी कहती है मम्मा मुझे भी लगाओ, तो जब तक वो उठती है उससे पहले मैं सारे नेल पेंट्स को वापस अपने ड्रॉअर में रख दूँगी, ठीक है। और छोटी लाइट जला दूँ क्योंकि विराज उठ जाएगा, ठीक है। चलो फिर बाहर चलते हैं। मम्मी आपको पूछ रही है आप कहाँ गए, चाय बनाओगे वहाँ कुछ रुक जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। गाइस ये बुके आया है, बड़ा ही प्यारा बुके है। मैं मम्मी से मिलवाऊँ आपको, मम्मी झाड़ू लेकर आएगी, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं जो कि बहुत शुभ होता है, और भी कुछ आप खरीद सकते हो धनतेरस के दिन, कुछ खरीदते हैं तो अच्छा ही होता है। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय और अपना थोड़ा सा, मैंने बॉल्स निकाले थे क्लीन करे हैं, ये वाले निकाले हैं मैंने, इनके अंदर मैं काजू बादाम मिठाई और थोड़ा से ये वाले फली रखूँगी, ठीक है। और ये सील बंद वाले हैं, सबसे अच्छी बात है इनमें ना ये है, तो उससे सील तो नहीं है, किसी में भी डाल के आप इसको एनर्जी रख सकते हो, तो अच्छा भी लगता है थोड़ा, दिवाली पर कोई आता है जो मम जी। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस भाई। हाँ इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। मम्मी ने आज लेवेंडर कलर का सूट पहना है, मम्मी के मन में था, और ये मम्मी की ढीला हो गया। मम्मी पतली हो गई, पतले हो गए आप, जुकाम हो रहा था, वो हो ही जाता है थोड़ा सा ना मौसम से, तो भाई मैं एक बार ये सारा डाल लूँ, उसके बाद मिलेंगे आपसे, ठीक। ये सेट हो गया हमारा पूरा, एक में काजू बादाम फली और काजू का की रख दी है मिठाई, और वैसे मिठाई खा के दिवाली पे सब लोग यू नो जाते हैं कि मीठा मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है,
बट मज़ा भी आता है देखो कौन से डब्बे में क्या है खाने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे लोफिश बड़ा शौक है, उसको खाने का नहीं है, मुझे खाने का भी है और खोलने का भी है। तो हम दोनों जैसे जब पहले भी कुछ आता था ना, कोई लेके आते थे, कोई पैक्ड होता था, तो सबसे पहले आके हम उसको खोल देते थे कि क्या है इसके अंदर। और यहाँ मैं बना रही हूँ बढ़िया सी चाय, क्योंकि मम्मी को थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो मम्मी ने कहा अच्छी सी चाय बनाते। मैं कहा ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और बच्चे ने काफ़ी मस्ती करी और क्या अपना चश्मा यहीं भूल गया, तो भैया दूज को जब मैं जाऊँगी तो मैं उसको चश्मा साथ लेकर जाऊँगी। इंस्टाग्राम पे कर देना फॉलो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी धनतेरस वंस अगेन।